हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक राज्य सचिवालय में होने जा रही है। इसमें कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते मास्क न पहनने वालों पर सख्ती से संबंधित निर्णय लिए जा सकते हैं। कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक प्रस्तुति दी जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की यह बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। इसमें सीएम जयराम ठाकुर अपनी अब तक की लागू नहीं हो सकी बजट घोषणाओं पर भी मंजूरी देंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 28 जुलाई को राज्य सचिवालय के बाहर कहा था कि अगली कैबिनेट में एसएमसी शिक्षकों को कैजुअल और मेडिकल लीव देने का मामला ले जाएंगे, इसलिए ये एजेंडा भी मंत्रिमंडल की बैठक में जाएगा। इसमें आगामी 10 से 13 सितंबर के बीच प्रस्तावित विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किए जाने वाले विधायकों के ड्राफ्ट पर चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा प्रदेश भर में विभिन्न स्वास्थ्य शिक्षण और अन्य संस्थानों के सत्रोयन के बारे में भी निर्णय हो सकते हैं। गौर हो कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक हफ्ते में दूसरी कैबिनेट की बैठक बुलाई है। सरकार पूरी तरह से चुनावी मोड में है, ऐसे में बैठक में ऐसे तमाम मसलों पर चर्चा होगी जो इन दिनों मुद्दे बने हैं।